जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम पहले फाइंड करेंगे सी का कम्प्लीमेंट है। ये सी के ऊपर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है सी कम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए हम यू सेट के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे सी सेट के सारे एलिमेंट्स। तो पहले हम यू सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे इस ब्लैंक में। ये यू सेट के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 10 तक, ये हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3। फिर 3 डॉट्स लगाएंगे, फिर हम 10 लिख देंगे। ये डॉट्स का मतलब है 1 से लेके 10 तक पूरे नंबर हैं इसमें। अब आगे ये देखिए माइनस है, अब इसके आगे हम लिखेंगे सी सेट के एलिमेंट्स। ये सी के एलिमेंट्स हैं, 2 से लेके 10 तक इवन नंबर हैं ये। अब ये वाले एलिमेंट्स हम इस सेट से माइनस करेंगे। ये 1 से लेके 10 तक जो इनमें इवन नंबर्स होंगे वो माइनस हो जाएंगे, बाकी इसमें ऑड नंबर्स बचेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9। ये सी कम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डी का कम्प्लीमेंट। इसके लिए भी हम यू सेट के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे डी सेट के एलिमेंट्स। तो पहले हम यू सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे इस ब्लैंक में 1, 2, 3, 3 डॉट्स लगाएंगे, फिर 10 लिखेंगे। अब इस ब्लैंक में हम लिखेंगे डी सेट के एलिमेंट्स। ये डी के एलिमेंट्स हैं 3 से लेके 7 तक, ये हम यहाँ लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7। अब ये वाले एलिमेंट्स 3 से लेके 7 तक हम इस सेट से माइनस कर देंगे, तो बाकी इसमें बचेंगे 1, 2, 8, 9, 10। 1, 2, 8, 9, 10। ये डी कम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया।